ये मालूम टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी इम्तियाज साहब एक बहुत अच्छा जुमला आखिरी में बोले और उसी के साथ मैं मेरी छोटी सी तकरीर करके और थैंक यू नोट बोल के ख़त्म करूँगा और मैं वायदा करूँगा कि इंशाल्लाह मैं जो भी पॉइंट्स आप बोलूँगा दिलचस्प होंगे और इम्तियाज साहब बोले कि दुआ करते हैं कि आसिफ इंशाल्लाह और शहीद मुहंदिस इंशाल्लाह हम सब के एक हीरो बने। तो इमाम खुमैनी रहबर मुअज़्ज़म सैयद सिस्तानी के बाद मेरे लिए अब जो हीरो हैं आज खासे, मैं इस प्रोग्राम को में कुछ कहना चाह रहा था, कुछ दिल की बातें, तो मैं वो कंप्लीट करके इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों को आप लोगों से इंशाल्लाह विदाई चाहूँगा। शहीद हज कासिम, मैं ईरान में मेरे पिछले ईरान की ट्रिप में मैं बहुत कोशिश किया कि किरमान जाके उनके कब्र पे जाके फातिहा पढ़ूँ और तस्वीरें इंशाल्लाह आप सब लोगों को भेजूँ, लेकिन अफसोस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की महामारी की वजह से मैं नहीं जा पाया। तेहरान में आप लोग जो ज़्यारतों पे गए हैं तो आप लोग गए होंगे शाह अब्दुल नज़ीम के हरम पे, तो शाह अब्दुल नज़ीम के हरम पे जब मैं गया, मुझे मालूम नहीं था, मैं जब शाह अब्दुल नज़ीम के हरम पे गया तो एक हिस्से में शाह अब्दुल नज़ीम के हरम पे कुछ 10-12 पासदार जो सोल्जर जो होते हैं यूनिफॉर्म सोल्जर के जो यूनिफॉर्म में जो खड़े थे वो वहाँ पर खड़े थे और जोर जोर से क्रिया कर रहे थे और ज़्यारत आशुरा का कुछ जुमला मैं लोगों से सुन रहा था। तो मैं बस मेरे दोस्त से पूछा कि कौन है, क्यों वहाँ पर हैं, तो क्या हो रहा था, तो उन लोग मुझे बोले कि हज कासिम के साथ जो बॉडीगार्ड जो थे वहीद जमानी, शहीद वहीद जमानी की खबर यहाँ पर शाह अब्दुल नज़ीम में है। मैं वहीं पर टूट पड़ा क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि हज कासिम की खबर पर किरमान ले जाए, नहीं हो पाया तो मैं वहीं पर गया और वहीद जमानी के खबर पर वहाँ जाके मैं फातिहा पढ़ा, तो मेरी ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी हुई। मैं चाहता था कि आप लोग सबको बताऊं कि तेहरान शहीद आपकी दुआओं में इंशाल्लाह शहीद वहीद जमानी के लिए भी दुआ कीजिए। ईरान में जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास कई सारे इख्तलाफात होते हैं मौलवियों से लेते हुए, अंजुमनों से लेते हुए, फैमिलियों में वगैरह वगैरह, और कई मुहर्रम का महीना आता है, माह रमजान आता है, हम सब इत्तेहाद हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं। इसी तरह में ईरान में भी अजीब अजीब फिरके, अलग अलग फिरके हैं, कोई रिलीजियस है, कोई सेमी रिलीजियस है, कोई सिर्फ ईद का मुसलमान है, कोई सिर्फ मुहर्रम का मुसलमान है, लेकिन जो हज कासिम की जो शहादत जब हुई, ईरान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुदा को भी ठुकराते हैं, इमाम हुसैन को भी ठुकराते हैं, रसूलुल्लाह को भी ठुकराते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर भी हमें शायद पता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं हज कासिम की शहादत पे सब चीज साइड पे रख के हज कासिम की शहादत में वो लोग आए, जनाजे में शरीक हुए। टोटल कहा जाता है कि ईरान की जो आबादी है वो 8 करोड़ है, 8.3 करोड़। हज कासिम की शहादत में सारे ईरान में अलग अलग जगहों में जहाँ जनाजा उनका गया था 4 करोड़ लोग उनकी शहादत में शामिल हुए। हज कासिम के साथ जो दूसरे जो उनके जो टीम में जो लोग शहीद हुए थे उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन एक बात आपको कहते चलूँ, मोसाद जो है, मोसाद इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी एक रिपोर्ट मैं पढ़ा, अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं देता हूँ आप लोगों को रिपोर्ट, मेरे पास व्हाट्सएप में है, ये सुनिए। उन लोग मोसाद कह रहे हैं कि हज कासिम को उन लोग कैसे पकड़े, उनका प्लान कैसे बन, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि हज कासिम कहाँ पर है, ये मोसाद कह रहा है, दुश्मन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। ये जब प्लान आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हज कासिम उनके लिए कितने बड़े एक क्या बोलते टारगेट थे और कितना मुश्किल था हज कासिम को पकड़ने के लिए। मोसाद का रिपोर्ट ये कहती है कि उनको पता चला, मोसाद को पता चला कि सिपा जो है, ईरान की जो सिपा जो एजेंसी है, वो अपने मोबाइल फोन कहाँ से खरीदती है, उनको ये पता चल गया कोई एक जगह है और वो भी ईरान में नहीं है, और कौन से टाइप का मोबाइल फोन खरीदते हैं, ये जैसे हमारे पास स्मार्टफोन्स है, पहले जमाने में वो नोकिया के फोन आते थे जिसमें सिर्फ नंबर होते थे,
ऐसा जमाने का होता था। ईरान में आज भी इंटेलिजेंस वही फोन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उस फोन में पकड़े नहीं जाते हैं, ट्रैकर नहीं होता। तो ये वाला फोन इनको पता चला, ये मोसाद के लिए, ईरान का कोई कह रहा है मोसाद के लिए, पता चला कि ये फोन जो है पुराने जमाने का जो नोकिया का फोन जो हुआ करता था वो कहां से खरीदते हैं और कौन सा फोन खरीदते हैं। इन लोग क्या किए, वो सारे दुकानों में छापा मार दिए, दुकानदार को शायद खरीद दिए जाके या कुछ करके, वो सारे फोन में उन लोग कुछ एक सॉफ्टवेयर डाल दिए और 24 घंटे कई महीने तक उस फोन की जो सारे फोन, मान लो 100-200 फोन पकड़े, वो सारे 100-200 फोन की उन लोग ट्रैकिंग करते रहे। आप सोचिए कि अगर मुझे किसी को पकड़ना अगर है, ट्रैक अगर करना है, तो आजकल व्हाट्सएप में बहुत इजी टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे को पकड़ सकते हैं कहां पर है। आप एक वक्त में 300, 400 या 500 हजार फोन एक वक्त में ट्रैक करना कितना बड़ा काम है। ये हाज हासिम को पकड़ने के लिए इन लोग इतने सारे प्रोजेक्ट किए और फाइनली उन लोगों को कामयाबी मिली। कहते हैं कि कोई जासूस था, उस वजह से, वो जासूस की वजह से ये इंफॉर्मेशन मालूम हुई और फिर हाज कासिम की शहादत हुई। हाज कासिम की जो नमाज मैयत जो भी आप लोग शायद वीडियो देखे होंगे, उसका एक बड़ा अहम नुकता मैं ये कहना चाहता हूँ कि रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनेई ने कई सारे नमाज जनाजे पढ़ाए, कई सारे आप लोग सब देखे होंगे, और कई सारे जनाजों नमाज जनाजों में एक जो तकबीर के बाद एक दुआ होती है, अल्लाहुम्मा ला नहरमु इल्ला खैरा, मतलब मैं दुआई देता हूं कि ये मर्द मोमिन या मोमिना सब खैर की है। कई सारे नमाज़े जनाज़े में रहबर मुअज्जम नहीं पढ़े उसके मसलियत में, लेकिन जब हाज कासिम की जब शहादत हुई, अल्लाहुम्मा ला नहरमु इल्ला खैरा जब ये पढ़े, वो जो मजमा जो वहां पर हजारों लाखों का जो मजमा वहां पर था, ऐसा टुकड़ा हो के जो दूसरी जो मैं भी और आप भी शायद अगर देखते रहते हो तो वो देख के हम लोग का सब दिल टूट गया। हाज कासिम की जो फौज और उनकी सारी जो टीम इराक में, ईरान में, सीरिया में, लबनान में जो काम किए हैं, उन सारे कामों से आप में हम लोग जो जो ज़ियारतों पे गए हैं, हिफाजती से पहुंचे हैं, हिफाजती से भी वापस महफूज होके वापस आए हैं, हम सबको इमाम हुसैन के अलावा, इमाम अली के अलावा, इमाम जमान के अलावा, खुदा के अलावा, हम सबको हाज कासिम और उनकी सारी टीम को शुक्रिया अदा पेश करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रोग्राम से, उनके मेहनतों से, उनके सिपाहियों से हम लोग आराम से जाके ज़ियारत करके आए हैं। और इसी के साथ मैं आखिरी पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि शेख निम का इंतकाल जो एग्जीक्यूशन हुआ सऊदी अरेबिया में 2016 जनवरी को हुआ, हाज कासिम की जो असैसिनेशन हुई वो 3 जनवरी को हुई 2020 में। तो बड़े शेख निम भी एक बहुत बड़ी हस्ती थे और ये और हाज कासिम भी बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो मैं उलमा को दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग और जो भी सही समझते हैं, आप लोग जो सही ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, उन सबको आप लोग एक रिक्वेस्ट करें कि हम चाहते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर का जो पहला हफ्ता है, ये हफ्ते शहदा की तरह से एक नाम दिया जाए, और हर साल जब सब लोग हैप्पी न्यू ईयर का प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं, तो हम लोग हफ्ते शुहदा का प्रोग्राम इंशाल्लाह हर साल करते हैं। इसी के साथ हाज कासिम जो थे, हर जगह जहाँ भी जाते थे, इराक में अहले सुन्नत के साथ, साउथ ऑफ ईरान में अहले सुन्नत के साथ, और सीरिया में अलवियों के साथ, हर जगह में जहाँ जहाँ भी वो जाते थे, वो शिया होके इस तरह से बस नहीं जाते थे, मुसलमान होके जाते थे। यूनिटी जो था, इत्तेहाद जो था, उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसे तो क्योंकि वो इत्तेहाद के बड़े कायल थे और प्रैक्टिकल तौर पे हमेशा इत्तेहाद करते थे, हम लोग एक दुआए वहदत पढ़ के इंशाल्लाह इस दुआ का इस प्रोग्राम का खात्मा करेंगे। اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله إله واحد ونحن له مسلمون لا
अल्लाह।